आज मैं उत्तर प्रदेश बहराइच जिला में उपस्थित हूँ और यहाँ कैसरगंज और जरवर रोड के बीच में एक ऐसा मंदिर है जो जंगल में है। यहाँ के कुछ लोग जो गांव के हैं आसपास, उन्होंने साफ करवा करके ये सड़क वड़क जो है आप देख सकते हैं कि हाईवे से मिला हुआ है। इधर कैमरामैन आप फोकस करिए थोड़ा हल्का, इधर जो है हाईवे से मिला हुआ रोड है और यहाँ सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि ये राम जानकी की मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर जो है काफ़ी पुरानी मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ के कुछ लोग जो भाई लोग थे उन्होंने साफ़ सफाई किया है और ये सरकारी ज़मीन में मंदिर है। और आइए मैं यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि इस मंदिर के सरकारी ज़मीन नहीं, आबादी है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार सिंह, ये मंदिर के बारे में आप बताइए हमें। इस मंदिर की चर्चा ये है कि हम लोग यहाँ अब पांचवी पीढ़ी में हैं। जी जी, ये करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है जी, और ये इसमें राम जानकी और शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठित है। जी जी जी, अब जीर्णोद्धार और पूजा प्रतिष्ठा इसकी सबके उपेक्षा में यहाँ पे कई बार ये घना जंगल था तो इसमें चोरियां भी हुई। जी जी जी, अष्टधात की मूर्ति भी गायब हो गई। जी जी, छत्तर भी गायब हो गया। जी जी, 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जी जी समारोह जो अयोध्या में आयोजित हो रहा है। जी जी, हम लोगों को यही आशा है कि उसी दिन से इस मंदिर का कायाकल्प, जीर्णोद्धार, हवन, जी पूजन जी जी, और ये 43वां जी जी मंदिर के नाम पे, राम जानकी मंदिर के नाम पे, मंदिर के नाम से है। हाँ, आबादी राम जानकी मंदिर के नाम से दर्ज है। जी जी, हम लोग अब आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं और बाकी जन सहयोग से जी जी इसका कायाकल्प करवाने का हम लोगों ने। जी जी, आपका भैया क्या नाम है? आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह, जो ये मंदिर जो पीछे दिख रहा है काफी पुरानी है जी, तो मतलब इसमें पहले कोई पूजा उजा या मतलब कुछ व्यवस्था ऐसा था? बहुत पहले व्यवस्था था, मतलब इसमें मतलब बराबर निरंतर काम चल रहा था। जी जी, लेकिन बीच में जब अष्टाध की मूर्तियां चोरी हो गई और इसमें मतलब उस हिसाब से सब बंद हो गया। फिर बाबा एक मोहनदास थे, मतलब उनकी समाधि बनी है सामने, समाधि भैया उधर देखा जी, तो तब से ये बन पड़ा है। जी जी, आइए सभी लोग जो है बने रहिए, इधर आइए, आइए अभी बाद में। देखिए ये मंदिर जो है राम जानकी के नाम से है और आप देख सकते हैं कितनी पुरानी मंदिर है। वो खुद जो है सबूत बता रहा है कि मैं इतना पुरानी हूँ और आप देख सकते हैं कि दरवाजा में कोई दम नहीं है और अंदर जो स्थान है वहाँ पर मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं, सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है। और इधर जो है ये किसकी थी भैया? शंकर जी, भगवान शिव की यहाँ पर जो है मूर्ति थी, वो भी जो है नहीं है तो चोरी हो गया है। आइए नेरे से दिखाइए, इधर बढ़िया साफ दिखे, नीचे से ऊपर तक दिखाइए। और इसी के बगल में जो है कुआं भी है इधर और काफी जंगल भी है। और यार एक छोटी मंदिर है, सबसे छोटी मंदिर कहा जाता है इसको, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, काफी पुरानी मंदिर है यहाँ पे। मैं पूरा जो है आपको दिखा रहा हूँ चारों ओर, आगे पीछे साइड से, ऐसा है कि मैं नीचे आके बनाओ तो ऊपर लगाओ खलवा से। आइए यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, फिर हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं इसके विषय में। अभी 2-3 लोगों से हम बातचीत किए हैं। यहाँ के लोग जो है लगे हुए हैं कि 22 तारीख को जो अयोध्या में कार्यक्रम होने जा रहा है श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा, उसी के दिन जो है, दिन भी बढ़िया है, सोमवार है, 22 तारीख है, तो उसी के दिन यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ भी जो है उनका जो है स्थापना किया जाए। जी आपका नाम सर क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह, ये जो मंदिर जो पीछे है आपके सामने इधर, इसके बारे में क्या आप? ये हम लोगों का जो है बहुत छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं ये मंदिर। पहले तो पूजा उजा होती थी, एक बाबा मोहनदास थे जी जी, वो इसकी देख रेख करते थे। उसके बाद उनकी मरने को उपरांत यहाँ पे देख रेख करने वाला कोई नहीं था जी जी, और मंदिर में चोरी हो गई। चोरी हुई मूर्ति अष्टधात की थी, वो भी गायब हो गई। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे ये अड़ार में इसे तब्दील हो गया। हमने कई बार प्रयास किया, रास्ता भी पटवाया हमने, जो रास्ता आप देख रहे हैं जी जी, और साफ सफाई कराते रहे, लेकिन अब प्रभु की इच्छा थी कि ये जब रामचंद्र जी अपने घर में आएंगे
अयोध्या में, तभी यहाँ की शुरुआत होगी। तो हम लोगों ने ठाना है कि 22 तारीख को कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करें। तहसील प्रशासन में एप्लीकेशन दी गई थी, एसडीएम महोदय द्वारा साफ सफाई कराया गया है इसका, और हम चाह रहे हैं कि 22 तारीख को कुछ कार्यक्रम यहाँ पे कराया जाए। जी जी, ये हमारी इच्छा है, प्रभु की इच्छा होगी तो होगा भी। जी जी,